देखिए ये सैमसंग की 24 इंच एलईडी है, इसका मॉडल नंबर देखिए 4003AR। देखिए मैंने पावर दे दिया और पावर इंडिकेटर भी आ गया, लेकिन देखिए ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा है, यही इसका फॉल्ट है। तो हम देखेंगे ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। पहले हम बैक कवर को ओपन कर लेते हैं। मैंने ये वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। और इसे इसके बैक कवर को मैंने खोल लिया है। देखिए ये इसका पावर सप्लाई है और ये इसकी मदरबोर्ड है। चलिए ये पावर कनेक्ट कर दिया और अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए इधर 5 वोल्ट होना चाहिए, कितना वोल्टेज है ये देखना है। हाँ देखिए इधर 5 वोल्ट ही है। और देखिए इस आईसी में 5 वोल्ट इनपुट होना चाहिए। हाँ 5 वोल्ट इनपुट ही है और आउटपुट से 3.3 वोल्ट होना चाहिए, देखना है। हाँ 3.3 वोल्ट है और इस आईसी में से 1.2 वोल्ट होना चाहिए, देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। हाँ 1.2 वोल्ट ही है। और देखिए ये फ्लैश आईसी है, इसका 8 नंबर पिन में 3.3 वोल्ट आना चाहिए। देखिए कितना वोल्ट है, हाँ 3.3 वोल्ट ही है। और देखिए ये एक आईसी लगा हुआ है 6 पिन का, इसकी इनपुट में 5 वोल्ट होना चाहिए, यानी कि 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट सही है और 5 नंबर पर 5 वोल्ट होना चाहिए, देखते हैं। नहीं देखिए इधर कोई वोल्टेज नहीं है, इधर कोई वोल्टेज नहीं है, इस आईसी में 5 नंबर पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये आईसी ख़राब है। तो एक बार हम ये आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, मैं टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ होता है या नहीं। मेरे पास देखिए मेरे पास एक और दूसरा मदरबोर्ड है, यहाँ से ये आईसी खोलकर यहाँ बिठाएंगे। तो पहले मैंने थोड़ा पेस्ट लगा लिया, अब ब्लोअर से मैं इसको उठाएंगे। इसको उठा लिया है, अब इस दूर सी बोर्ड से ये आईसी को उठाएंगे। दूसरी आईसी को हम इधर सोल्डरिंग कर देंगे। आईसी को सोल्डरिंग कर दिया। अब इसको क्लीन करना है, यहाँ थोड़ा पेस्ट लगा हुआ है इसलिए इसको क्लीन करना ज़रूरी है। अब वोल्टेज को हम चेक करेंगे,
देखिए इधर 5 वोल्ट सही है और 5-6 नंबर पिन में देखिए 5 वोल्ट आ गया। देखिए देखिए 5 वोल्ट आ गया मेरे ख्याल से। देखिए इधर बैकलाइट भी आ गया, देखिए पिक्चर भी आना चाहिए, हम पिक्चर को देखेंगे। हाँ देखिए स्नो आ गया। हम फिर से एक बार सिग्नल देके देखेंगे पिक्चर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। हम देखेंगे, हाँ देखिए मेरा टीवी पूरा ओके हो गया।